नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 65 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 66 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जो भी फर्स्ट ग्रेड के नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हो रहे हैं, दिन में करीबन 300-400 के लगभग हैं वो पर डे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो दोस्तों उनसे निवेदन है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। और वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अलग से फोल्डर बना हुआ है, राजनीति विज्ञान का अलग से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, इतिहास का अलग से फोल्डर बना हुआ है, हिंदी का अलग से फोल्डर बना हुआ है और ज्योग्राफी का अलग से फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके अपने अपने सब्जेक्ट वहाँ से चूज कर सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये तो सबको पता होगा कि किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये चूरू जिले के अंदर है, ठीक है। चूरू जिले के अंदर है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। दोस्तों, आज का जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है, तो मतलब आपके कम से कम भी 75 में से आपके 65 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम है यहाँ पे अधीनेश चैन की बोर्ड की तरह कि यहाँ पे अपन को 40% लाना पड़ेगा, ठीक है, अधीनेश चैन बोर्ड है, लेकिन अपन यहाँ पे 75 में से आपको 65 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो वो 65 क्वेश्चन जिसके भी आ रहे हैं, जिसके कम आ रहे हैं, वो नंबर ज़रूर कमेंट में लिखना, ठीक है। तो क्या है कि एक दूसरे की जो तैयारी है वो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है कि मतलब इसकी तैयारी कैसी है, इसकी तैयारी कैसी है फर्स्ट पेपर में। तो आप सभी है ना कमेंट में ज़रूर नंबर करना, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर प्रश्न है, कापरडा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है जोधपुर, नंबर सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। थर्ड नंबर प्रश्न है, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग किस शासक द्वारा संस्थापित है? तो वो है दोस्तों, चार ऑप्शन अपने पास, इसका राइट आंसर आ जाएगा जालिम सिंह, नंबर छह ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ये आहड़ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आहड़ आएगा, राजस्थान में आहड़ सभ्यता उत्खनन कार्य का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है, तो देखो HD सांखलिया, ठीक है, RC अग्रवाल, VN मिश्र, उक्त सभी। दोस्तों, इसका नंबर द ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पांच नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको कहा जाता है एपिग्राफी, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में पहला संस्कृत का अभिलेख है, तो पहला संस्कृत का अभिलेख है वो कौन सा है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह अभिलेख है, ये शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो नंबर सात नंबर प्रश्न, पुरातात्विक स्थल नगरी की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? तो ये कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1904 में। कब की गई थी? 1904 में। दोस्तों, डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा इसकी सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, ठीक है, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उदयपुर में, नंबर छह ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नाइन प्रश्न, इसमें देखो, आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला भारत का प्रथम सिंधु स्थल है, तो वो सिंधु स्थल है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रंगपुर, ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर दस नंबर प्रश्न है, तो इसके अंदर देखो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। दस नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के अवसान का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन बताया है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन किसने बताया है, ठीक है,
कौन सी सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किस विद्वान ने बताया है, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेयर सर्विस ने, ठीक है, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता किस दृष्टि से साम्यता रखती है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता किस दृष्टि से साम्यता रखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्न भंडार प्रणाली, ठीक है, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी बच्चों के आते हैं कि एक दो बच्चे बोलते हैं कि सर एक प्रश्न पेपर से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, एक प्रश्न तो एक दो प्रश्न चलता है तो आपको बाकी के और 73% तो मिल रहे हैं ना, ठीक है, तो ऐसे कितने पेपर हो गए, तो एक दो प्रश्न अगर सिलेबस से बाहर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। आरपीएससी में तो फिर भी 19% डिलीट हुए थे पिछली बार, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12वां प्रश्न, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। इसमें देखो, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के जो बचपन का नाम था वो था दोस्तों वर्धमान, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 13वां प्रश्न है, तो इसमें देखो, नमक कानून तोड़ने का संबंध किस आंदोलन से है, तो किस आंदोलन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। 14वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये कब आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम असहयोग आंदोलन का काल था तो वो कौन सा था, तो वो था 1921, ठीक है, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1784 सर विलियम जोन्स के द्वारा, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 17वां प्रश्न, तो इसमें देखो, तो ताप मापने की इकाई है, तो ताप मापने की इकाई कौन कौन सी है, तो देखो डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, उक्त सभी, ठीक है, नंबर द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 18वां प्रश्न है, इसमें देखो, जिस निश्चित ताप पर ठोस ऊष्मा ग्रहण कर पिघलने लगता है उस ताप को कहते हैं, जिस निश्चित ताप पर ठोस ऊष्मा ग्रहण कर पिघलने लगता है उस ताप को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों गलनांक, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, आंत्रस की उपस्थित रहने वाले एंजाइम हैं, आंत्रस में उपस्थित रहने वाले एंजाइम हैं, तो वो कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूरोपसिन, माल्टेस, सुक्रेस, उक्त सभी, ठीक है, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है दोस्तों क्षय रोग के लिए, ठीक है, नंबर ब ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु की अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 270, कितनी होती है 270, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न, इसमें देखो, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 23वां प्रश्न है, इसके अंदर देखो, विश्व में प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु ओम्बुड्समैन नामक प्रथम संस्था की स्थापना किस देश में की गई, ठीक है, ओम्बुड्समैन नामक प्रथम संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में की गई थी, और कब की गई थी, तो 1809 में की गई थी, ठीक है, 1809 में, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों
प्रधानमंत्री, ठीक है। नंबर स ऑप्शन इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में योजना आयोग की विधिवत स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की विधिवत स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। नंबर स ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, जोरम नेशनल पार्टी किस राज्य में कार्यरत है, जोरम नेशनल पार्टी किस राज्य में कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिजोरम। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, इसमें देखो शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का प्रथम दल है, सॉरी प्रमुख दल है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का प्रमुख दल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से एक दलीय व्यवस्था वाला देश है, तो एक दलीय व्यवस्था वाला कौन सा देश है, तो वो है चीन। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, काजी लेंद्रुप दोनजी, ठीक है, काजी लेंद्रुप दोरजी खांगसरण किस राज्य के संस्थापक थे, दोस्तों ये नाम देख लेना आप, ठीक है, तो किस राज्य के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के, ठीक है। नेक्स्ट, तीस नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो देसूरी की नाल व हाथीगुड़ा का दर्रा राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ठीक है। नंबर सेवन ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में स्थित उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाकर के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ठीक है, भाकर। नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान है तो वो कौन सा है, वो है चूरू, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला है, तो सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला कौन सा है, तो वह है भीलवाड़ा। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली का मेला आयोजित होता है, तो वो है जोधपुर में। नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। दोस्तों ये जो पेपर है ये परीक्षा के अंदर कुछ प्रश्न हार्ड आते हैं, कुछ इजी आते हैं, तो इजी प्रश्नों का ये पेपर है, ठीक है। हार्ड के मैंने आपको काफ़ी प्रश्न पेपर हैं वो करवा चुका हूँ हार्ड लेवल के, ठीक है, तो बाकी और हार्ड लेवल के और भी करवा दूंगा, तो थोड़े इजी लेवल का भी चलने दो। तो 35 नंबर है, तो इसमें देखो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है, तो वो है चंबल नदी, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। नेक्स्ट, सॉरी इसमें देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी नदी है, तो वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों चंबल की है वो राजस्थान में कम लंबाई है, लेकिन इसमें पानी है वो सर्वाधिक है, तो इसको सबसे लंबी नदी इसी को ही मानते हैं, ठीक है। ये 6 जिलों में यह भी बहती है, 6 जिलों में बनास भी बहती है, ठीक है, और 6 जिलों में लूणी बहती है, तो सबसे लंबी नदी तो ये चंबल है दोस्तों। नंबर सही है, यह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 31 अक्टूबर 2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों काफ़ी बार ये प्रश्न आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77वां स्थान है भारत का इज ऑफ डूइंग बिजनेस में। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब व कहां किया, तो कब व कहां किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती थी, ठीक है, कौन सी जयंती थी, 143वीं जयंती के अवसर पर मोदी ने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, और ये कहाँ पर, ये केवड़िया नर्मदा गुजरात में किया था, ठीक है।
31 अक्टूबर 2018 143वीं जयंती थी, ठीक है। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2018 को किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओ फोन 11 का प्रक्षेपण किया? 31 जुलाई 2018 को किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओ फोन 11 का प्रक्षेपण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है चीन। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके सहयोगी बैंकों के लिए विलय संबंधी विधेयक संसद में कब पारित हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके सहयोगी बैंकों के विलय संबंधी विधेयक संसद में कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2018 को। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें देखो, मिशेत बाचलेत, ठीक है, मिशेत बाचलेत जिन्हें अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया गया है, किस देश में, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चिली। नंबर 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नोबल और बुकर पुरस्कार विजेता व प्रसिद्ध लेखक वी एस नायपॉल का निधन कब हुआ? तो दोस्तों, वी एस नायपॉल का निधन है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 12 अगस्त 2018 को। नंबर 6 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 43 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, 11 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में रक्षा गलियारे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रक्षा गलियारे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो अलीगढ़। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, जुलाई 2018 में रूस ओपन टूर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। रूस ओपन टूर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है सौरभ वर्मा। नंबर 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर प्रश्न है, तो ये देखो, अभी हाल ही में चर्चा में भी है, ठीक है। हाल ही में 660 मेगावाट की छठी इकाई की शुरुआत के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बना छाबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बारा जिले में, ठीक है। ये दोस्तों अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा है वो थर्मल पावर प्लांट इससे पहले सूरतगढ़ था, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मेगावाट की उत्पादन करता था, और अब हो गया है दोस्तों ये छाबड़ा, ठीक है, ये लगभग 1500 के आसपास की मेगावाट की उत्पादन करता है, ठीक है। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत व मान्यता कौन प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों निर्देशालय। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1951 में की गई थी। नंबर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न है, 27 जनवरी 2003 में राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? 27 जनवरी 2003 में राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है जयपुर। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में विद्यालय योजना कब से संचालित है? तो राजस्थान में विद्यालय योजना है वो कब से संचालित है? तो वो है 1968 से। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 50 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, विद्यालय प्रबंध समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका सचिव है वो संस्था प्रधान होता है। नंबर 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उल्लेख RTI 2009 की किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों धारा 21 में किया गया है। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो,
डाइट की संकल्पना से संबंध है? डाइट की संकल्पना से संबंध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राधा कृष्णन आयोग 1949, मुद्रा लियर आयोग 1952, कोठारी कमीशन 1964 से 1966, उक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NCERT की स्थापना वर्ष है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1963, नंबर बे ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो NERII शिलोंग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1991, नंबर बे ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशनल एजुकेशन, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में IASE, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन में किसे प्रशिक्षित किया जाता है? तो किसे प्रशिक्षित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माध्यमिक स्तर के शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षा के HMPP या व्याख्याताओं, तो इसका उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो ACEG, ठीक है, BDFH और उसके बाद में CEGI, ये है, तो अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो A इधर है तो B इधर है, ठीक है, B यहाँ पे है, AB, ठीक है, CD, EF और GH, मतलब कि जो ये संख्या दी हुई है CEGI, ठीक है, इसके आगे वाली संख्या, हर वर्ड के आगे कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे देखो C के बाद में क्या आता है, DE के बाद में क्या आता है, F, G के बाद में क्या आता है, H और I के बाद में क्या आता है, J, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, DFHJ, तो इसमें देखो नंबर बे ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सॉरी ए नंबर में देखो DFHJ दिया गया है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें हल्दी का रंग है वो दोस्तों हरा हो जाएगा, ठीक है। और अपन जानते हैं हल्दी का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, और पीले को यहां क्या कहा गया है, हरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 58 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इनमें से देखो ये तो होता है सबसे पहले परिवार, ठीक है, और परिवार के अंदर ये होता है पत्नी और ये होता है पति, ठीक है, तो ये सब अलग अलग होते हैं, यहाँ पे भाई बहन अलग हो जाएंगे, ठीक है, और माता पिता वो भी अलग हो जाएंगे, तो ये पूरा परिवार है, तो यहाँ पे पति और पत्नी ये कॉलम बनेगा अपना, ठीक है, एक गोले के अंदर बीच में दो गोले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर द ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। नंबर 59 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो रेजिग्नेशन शब्द के अक्षरों का क्रम न बदलते हुए एक अक्षर एक ही बार प्रयोग कर कितने अंग्रेजी के स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड कौन कौन से होंगे, तो इसमें देखो मैं 5 वर्ड बनाए, इसमें 5 वर्ड हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, एक तो बन रहा है SIGN, ठीक है, और एक इसके आगे अगर RE लगा दें तो क्या हो जाएगा, रिजाइन, ठीक है, एक बन रहा है अपना नेशन, ठीक है, नेशन बन रहा है, एक बन रहा है अपना ऑन और एक बन रहा है अपना ई, तो दोस्तों टोटल इसमें 5 बन रहे हैं, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो यदि 3 क्रमिक अंकों का योगफल 15 हो तो बीच के अंक का वर्ग क्या होगा?
तो बीच के अंक का वर्ग है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25। अब कैसे होगा 25? तो दोस्तों इसमें पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, ठीक है। यदि तीन क्रमिक संख्याओं का योगफल योगफल 15 हो तो बीच के अंकों का वर्ग क्या होगा? तो इसमें देखो 4, 5 और 6, ठीक है, 4, 5, 6। तो इसमें इसको टोटल करो तो 4, 5, 6 और 4, 10 और 5, 15 ये हो गए, ठीक है, ये क्रमिक भी हो गए। अब इसमें जो बीच का अंक है वो है दोस्तों 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। अपने को 15 लाने थे उनका योगफल। नंबर 61 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक सामग्री संकलन के प्रमुख कितने प्रमुख तरीके हैं? प्राथमिक सामग्री संकलन के कितने प्रमुख तरीके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2। नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 62 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो सांख्यिकीय तथ्यों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका देखो परस्पर तुलना, तथ्यों को सरल, सुबोध और आकर्षण बनाना, घटना विशेष की प्रवृत्ति जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब, स, द, ठीक है, उपयुक्त सभी। नंबर द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है मोड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से। नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न है, तीन संख्याएं 24, 44, 32 का एलसीएम होगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम अपन निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो 24, 44 और 32, ठीक है, इसको अपन ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये भी इतनी बार गया तो ये दोस्तों ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1056, ठीक है। इनको दो दो से करते जाना, नेक्स्ट फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, ठीक है। दो चरों वाले असंगत समीकरणों के युग्म का हल होता है तो कितना हल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोई हल नहीं होता इनका, ठीक है। इनका हल दो चरों वाले असंगत समीकरणों का युग्म का हल है ना, कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 6 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के हल हैं, तो 0 के हल अपन को यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो इसका हम इसमें देखो इसे ऐसे निकालेंगे n कोष्टक में n माइनस, ठीक है, n माइनस x बराबर 0 ऐसे करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें देखो अगर x बराबर अपन 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर आएगा 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 0 और 4। नंबर 6 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबको आना चाहिए ये प्रश्न। तो नंबर 67 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और वक्र पृष्ठ 968 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो बेलन की त्रिज्या है वो दोस्तों कितनी होगी? तो यहाँ पे अपने को सूत्र लगाना है, वो लगाना है 2πRh सबसे पहले, तो ठीक है 2πRh बराबर कितने हो जाएंगे? 968 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 968 यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो 2πRh बराबर कितना दिया गया है? 968। अब देखो 2πR, अब इसको काट लो तो 2 × 22/7 × r 11 बराबर 968 हो जाएंगे। तो अपने को सबसे पहले r निकालनी है, तो r कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखो 968 × 7/2 × 22 × 11, ठीक है, ये वाला कर लेंगे, इससे अपन को r निकल जाएगी, ठीक है, और इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर इसको अपन ऐसे काटेंगे तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है 14 सेमी, ठीक है। तो इसका नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें देखो एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 35 सेमी हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये होता है दोस्तों। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 22/7 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू अपने पास 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर अपने पास 21 है, और 35 प्लस 21 तो अपने पास एच है, ठीक है, एच प्लस आर करना है तो 35 प्लस 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 56, ठीक है। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 56, तो दोस्तों ये काटेंगे अपन तो इधर कट गया, ये 21 से तीन बार कट गया, ठीक है। तो अब 22 66 इंटू 56 करना है अपने को, और 66 इंटू 56 करेंगे तो दोस्तों अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है द ऑप्शन 36/96 वर्ग सेमी, ठीक है, नंबर द ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन छोड़ देना दोस्तों, ठीक है। नंबर 70 प्रश्न है, रजनी प्लस ईस में संधि होगी, तो रजनी प्लस ईस में संधि होगी वो है दीर्घ संधि, नंबर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 71 प्रश्न है, तो इसमें देखो बल प्लस हीन अथवा बलहीन में प्रत्यय शब्द है तो वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीन, नंबर स ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाव का अर्थ है, तो भाव का अर्थ है वो क्या है, तो वो है दशा, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 73 प्रश्न है, डू नॉट बी एब्यूज्ड, एक्टिव बनाना है इसका, ठीक है, इसका एक्टिव क्या होगा, तो इसका एक्टिव हो जाएगा दोस्तों लेट हिम नॉट बी एब्यूज्ड, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इसमें देखो शिपर्ड्स, द शिपर्ड्स आफ्टर देयर शिप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द शिपर्ड्स वर्क लुकिंग आफ्टर देयर शिप, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 75 प्रश्न है, द मंकी जंप्ड द रूफ ऑफ माय हाउस, यानी कि बंदर ने छत के ऊपर छलांग लगाई या कूदा, ठीक है, मेरे घर की छत के ऊपर बंदर ने छलांग लगाई या कूदा, तो इसमें क्या आएगा, तो कूदना आ गया इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनटू, सॉरी ऑन टू आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ब। तो दोस्तों जिसके जितने नंबर आए हैं वो कमेंट में ज़रूर करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।